हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपको बताएंगे कि आप लौकी के सीड कैसे ग्रो करें और उनके छोटे पौधों को कैसे ट्रांसप्लांट करें। तो ये सीड हमने ग्रो किया था जो कि 5 दिन में जर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद 5 से 7 दिन बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा जिसमें एक लीफ आ जाती है। तो हमने 2 सीड ग्रो किए थे, दोनों ही काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हुए और वो काफ़ी हेल्दी भी हैं। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड प्लांट है हमारा, दोनों ही अच्छी कंडीशन में है। तो हमने इनको ऐसे ही एक फ्लावरिंग पॉट में ग्रो कर दिया था, तो इनको ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी है अब। तो ये अगले 10 दिन के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देंगे क्योंकि ये थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अब इसको रिपोर्टिंग का समय आ गया है, नहीं तो इनकी रूट्स काफ़ी बढ़ जाएंगी, तो ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम इस लगाएंगे क्योंकि इसको हमें मिट्टी सहित उठाना होता है, तो जैसे केक काटते हैं उस तरह से हम इस पर कट लगाएंगे और रूट्स सहित ही इसको उठा लेंगे सॉइल के साथ ही, नहीं तो इसकी जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी और फिर ये मर भी सकता है। तो इस पर हमारी एक वीडियो है कि किस तरह से आप छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट जब करना हो तो किस तरह से ट्रांसप्लांट करें, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से प्लांट की रूट डिस्टर्ब भी नहीं होती हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, मिट्टी पहले से ही नम है। अगर जैसे आप बारिश के सीज़न के बिना अगर ये काम कर रहे हो तो आप मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट कर लें, हल्का नम कर लें, तब इसको बाहर निकालें। तो देखिए, पौधे की रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई हैं, बहुत आराम से ये निकल आया है। अगर हम इसको ज़्यादा दिन इसी में ही लगे रहने देते तो ये फिर जब हम इसको निकालते तो इनकी रूट्स काफ़ी बड़ी हो चुकी होती और ये मर सकते थे। तो इसीलिए अगर आप उसी पॉट में ग्रो कर रहे हैं जिसमें आपको पौधे को बड़ा करना है तो आप उसी में ही रहने दें। लेकिन जैसे कभी कभी हम दूसरे पॉट में ग्रो कर देते हैं सीड को, तो हमें निकालना पड़ता है प्लांट, तो इसीलिए कुछ इस तरह से आप निकालें। तो अभी हमारे पास इसके लिए मिट्टी तैयार नहीं है, इसलिए हम इसको एक छोटे से पॉलीथीन बैग में लगा देते हैं। तो जब हम इसकी मिट्टी तैयार कर लेंगे तब हम इसको इसमें से निकाल कर वापस से पॉट में लगा देंगे। अगर आपके पास मिट्टी तैयार है तो आप तुरंत भी इसको सेम पॉट में लगा सकते हैं जिसमें आपको इसको ग्रो करना हो। तो अभी हमारे पास मिट्टी तैयार नहीं है, इसलिए हमने इस छोटी सी पॉलीथीन में इनको लगा दिया है। और देखिए, ये एक लीफ इसकी टूट भी गई है, कट गई है थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें से न्यू लीव्स आएंगी और प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाएंगी। तो ये हमने एक आटे का बैग लिया है जिसमें हमने नीचे 2 होल कर दिए हैं क्योंकि ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है पॉट में या फिर आटे के बैग में। तो ये कुछ पत्थर हैं जो कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको हम ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं। तो इसमें एक हल्की सी लेयर हम पत्थर की बना देते हैं, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, वरना आप इसमें अपना सॉइल मिक्सचर भी डाल सकते हैं। तो एक बहुत हल्की सी लेयर बनानी होती है नीचे पत्थरों की, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहता है इससे। तो अब हम इसमें ये कुछ रूट्स हैं जो हमने पर्पल हर्ट प्लांट की रूट्स कट की थी, ट्रिम की थी, तो इसकी जगह आप सूखी पत्तियां भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है ये भी। तो ये हमारे पास थी इसलिए हम इसमें नीचे डाल देते हैं। और ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, अब हम एक लेयर इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल की डालेंगे क्योंकि नीचे की तरफ फर्टिलाइज़र नहीं जा पाता, जब हम ऊपर से डालते हैं तो नीचे की तरफ धीरे असर करता है, इसलिए हम पहले इसमें एक लेयर नॉर्मल गार्डन सॉइल की डालेंगे और ऊपर से एक लेयर इसमें काउ डंग की डाल देंगे। उससे क्या होगा, इसमें नीचे तक फर्टिलाइज़र रहेगा और जब रूट्स बड़ी होंगी और नीचे तक आएंगी तो उनको ये फर्टिलाइज़र आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जब हम ऊपर से डालते रहते हैं फर्टिलाइज़र तो वो बहुत नीचे तक नहीं जा पाता है। तो उसके लिए आप नीचे की तरफ ज़रूर इसमें एक लेयर फर्टिलाइज़र की डालें। अब ये हमारी सॉइल मिक्सचर है जो कि हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, ये हमारे पास पहले से ही बना हुआ था। तो ये हमने 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल है और 50% हमारा काउडंग या कंपोस्ट, जो भी आप डालना चाहते हैं, काउडंग कंपोस्ट कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो हमने थोड़ा सा इसमें काउडंग भी डाला है और ज़्यादा हमने इसमें कंपोस्ट मिलाया है। तो ये जो कंपोस्ट हमने किचन वेस्ट से तैयार किया था वही है, तो इसको हम
ले लेते हैं। इस पे हल्का सा ये गीला था तो हमने इसको हल्का सा सुखा लिया थोड़ा, और इसको हम अपनी सॉइल में मिक्स कर लेंगे। इसमें आप जो हमारी सॉइल है इसमें पहले से ही थोड़ा सैंड है, रिवर सैंड है, क्योंकि रिवर सैंड जो है ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाता है, इसलिए आप हल्का सा अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल में रिवर सैंड डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे इस आटे के बैग को अपने सॉइल मिक्सचर से भर दिया है, जिसमें हमने 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% कोई भी आप इसमें कॉम्पोस्ट या काउडंग जो भी आपके पास हो, हमने दोनों ही मिक्स किए हैं। और इस बैग को हमने अच्छे से फिल कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से पूरा ये 10 किलो का बैग है। तो ये हमारे वही पौधे हैं जो हमने दोनों को इनको ट्रांसप्लांट किया था इन छोटी सी पॉलिथीन में, क्योंकि वो करना ज़रूरी हो गया था, नहीं तो इनकी रूट्स काफ़ी बढ़ जाती और फिर हमें इनको निकालने में काफ़ी परेशानी होती और ये मर भी सकते थे। तो देखिए, दो ही दिन में इनकी रूट्स आप देख सकते हैं पॉलिथीन बैग में कितनी बढ़ चुकी हैं। तो इनको हमने बिल्कुल सही समय पर निकाल लिया। तो अब हम इसको इनमें ग्रो कर देंगे। आप जो ऊपर की तरफ एक लेयर रखें वो केवल मिट्टी की ही रखें, एक बारीक सतह इसकी मिट्टी की ही रखें, क्योंकि जब हम पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनकी रूट्स जल सकती हैं अगर हम इनको डायरेक्ट फर्टिलाइज़र वाली सॉइल में लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। तो बहुत हल्की सी लेयर आप ऊपर की तरफ साधारण मिट्टी की ही रखें। और इस तरह से हमने जो ये पॉलीथीन बैग में इनको लगाया था इनको कट कर देते हैं, और हल्का मॉइस्ट ज़रूर कर लें आप, क्योंकि जब हम इनको निकालेंगे तो इनकी जो सॉइल है वो बिखरनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमेशा हल्का सा मॉइस्ट ही रखें पौधे को निकालते वक्त, तो ये मिट्टी के साथ ही बाहर आ जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी इनमें रूट्स बन चुकी हैं, और केवल दो दिन बाद ही आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। तो पौधा बिल्कुल हमारा तैयार है। अब हम इसको ऐसा का ऐसा उठा करके जिस बैग में हमें इसको ग्रो करना है उसमें लगा देते हैं। तो इनसे क्या हुआ, अब हमें क्या फ़ायदा हुआ इससे कि जो रूट्स थी वो डिस्टर्ब भी नहीं होंगी और पौधा बहुत आसानी से ग्रोथ कर पाएगा। तो देखिए हमने ऐसा का ऐसा उठा लिया है इसको, और जो इसका एक हमने पहले से ही होल तैयार किया है, इसका गड्ढा बना लिया है, और जो इसमें से मिट्टी है वो हमने एक लेयर इसमें नीचे डाल दी है। उससे क्या होगा कि जो रूट्स हैं उनको फैलने में आसानी होगी और उन्हें वही मिट्टी मिलेगी जो जिसमें से वो ग्रोथ करके आई हैं, जिसमें से उसमें ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से हम पौधे को रख देते हैं, बहुत आसानी से ये पौधा रख चुका है इसमें, और रूट्स भी डिस्टर्ब नहीं हुई और पौधा भी काफ़ी अच्छे से इसमें चल जाएगा। दूसरे पौधे को भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसको भी हम इसी तरह से रख देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि बेल बटन प्रेस करने से आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। इस तरह से जो बाकी मिट्टी है उसको हम अच्छे से दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो बाहर निकल जाएगी। और अभी ये पौधे हल्के से मुरझा रहे हैं क्योंकि हमने इनको ट्रांसप्लांट किया है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसमें हम हल्की सी वाटरिंग कर देते हैं क्योंकि सॉइल पहले से ही इसमें मॉइस्ट है, तो इसलिए हमने हल्की सी ही वाटरिंग की है। और लौकी के सीड्स आप किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको किसी एक ही सीज़न में इनको ग्रो करना है, आप किसी भी सीज़न में इनको ग्रो कर सकते हैं। और देखिए हमारे पौधे बिल्कुल तैयार हैं, थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे क्योंकि अभी ये थोड़े मुरझाए हुए हैं। तो ये लौकी के सीड हैं जो कि हमारे पास 4 सीड थे और हमने केवल 2 ही ग्रो किए थे, तो ये 2 और हैं। इनको किस तरह से ग्रो कीजिए कि हल्का सा आप मिट्टी में इनको दबा दीजिए इस तरह से,
कुछ नहीं करना होता, इजी टू ग्रो होते हैं, बिल्कुल आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। इस तरह से इनको ढक दें हल्का सा मिट्टी से और ये 5 से 7 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाएंगे। तो देखिए ये कुछ घंटों बाद का रिज़ल्ट है, लगभग 2 से 3 घंटे बाद का रिज़ल्ट है ये, और जो पौधे हैं वो बिल्कुल सीधे हो गए हैं और काफ़ी हेल्दी भी लग रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।